पहले हम कहते थे अतिथि आया है घर में, तो वो कौन है कौन नहीं, ये भारत भूमि है। इतना बड़ा कटोरा, इतना बड़ा लोटा गाय के दूध का, और उसके ऊपर कटोरी में मिश्री रख के अतिथियों का, अनजानों का स्वागत होता था। पानी पीने के लिए नहीं मिलता था भारत की भूमि पे, पानी पैर धोने के लिए मिलता था, पर पीने के लिए गोदुग्ध। ऐसी समृद्धि थी भारत में। ये जो हेन सांग, ये तो कीड़े मकोड़े खाते हैं ना चीन के लोग, ये जब देश के अंदर आया शुचित कण काया हो गई उसकी। उसने देखा कि भारत के किसी कोने में कोई भिखारी नहीं है और कोई निरक्षर नहीं है, सारा भारत साक्षर है और सारा भारत समृद्ध है। ये उसने अपने संस्मरणों में लिखा है। हर अनजान आदमी का भी स्वागत भारत की धरती पर। और उस समय भारत की सर्वाधिक देवियां गुरुकुलों में आचारी हुआ करती थी, अध्यापिकाएं, आचारी, विदुषी देवियों का भारत। अगर दो विद्वानों के बीच में भी शास्त्रार्थ हो रहा होता था तो कोई गार्गी, कोई मैत्री निर्णय करती थी ना। ये युग तो वो पुराना युग था, लेकिन उस युग की आभा यहां तक चली आई कि देवियां विदुषी, समृद्धि, चित्त में शांति, ऐसा भारत। अभी हमारे एक पार्टी है, उसका नाम नहीं लूंगी, व्यासपीठ पे बात करना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो गए इंग्लैंड और वहाँ उन्होंने इतनी तारीफ की अंग्रेजों का, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर अंग्रेज हमारे देश में ना आए होते तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता था, आपने हमें रेल दी, आपने हमें स्टेशन दिए, आपने हमें पोस्ट ऑफिस दे दिया, आपने पता नहीं हमें क्या क्या दे दिया। तो उनकी बुद्धि को देख के उस समय इंग्लैंड के अंदर अखबारों में ये हेडलाइन से छपा था कि भारत का प्रधानमंत्री आया है, लेकिन आज आजाद भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुन के लगा कि भारत तो आजाद हो गया लेकिन वहां के प्रधानमंत्री के पास अभी भी मानसिक गुलामी की जंजीरें हैं, जो इंग्लैंड में आके अंग्रेजों की तारीफ कर रहे हैं। अरे अगर हम दरिद्र होते, अगर हम कंगले होते, तो फिर इतने सारे लुटेरे देश में क्यों आते? इस देश की सोना चांदी लूटने तो आए थे ना वो मोहम्मद गौरी, क्या करने आया था? सोमनाथ के मंदिर को लूट के क्यों, क्या क्या आकर्षण था भारत में? समृद्धि थी, संपत्ति थी, भारत शांत था और समृद्ध भी था। है, होता मुश्किल है कि आप अमीर भी हो और आप शांत भी हो, कितना कमाल की बात है, क्यों? ठीक नहीं कह रही हूं मैं? उसने कहा कि ये राजा तो मर जाएगा, ये राजा नहीं जिंदा रहने वाला, इसके लिए सारी औषधियां फेल, तो अब क्या करें? बोले अमीर पर शांत व्यक्ति का कोट इसे लाके पहना दो और ये बच जाएगा। अरे बोले ये तो दवाई बड़ी सस्ती है, अभी जाते हैं, अभी लेके आते हैं। सांझ तक पता चल गया कि दवाई सस्ती नहीं है, बड़ी महंगी है। हर अमीर आदमी ने कहा भैया सच्चे दिल की बात बताएं, अमीर तो है पर हमारा कोट राजा को बचाएगा नहीं, क्योंकि हम भीतर से शांति नहीं है, अंदर तो तूफान मचा हुआ है। ये निराश होके लौट रहे थे तो ये जो होते ना वृक्षों के झुरमुटों में से एक आवाज आई, खूबसूरत आवाज, ये बांसुरी की आवाज है, ये कितनी मधुर है, ये कितनी मीठी है, इतनी प्यारी है। इतनी मीठी बांसुरी बजाने वाला तो निश्चित रूप से शांत चित्त व्यक्ति होगा, इसका कोट हमारे राजा को बचा लेगा। पुकारने वाले ने कहा भैया बांसुरी वाले अपना कोट दे दे, राजा मर जाएगा नहीं तो। बांसुरी बजाने वाले ने कहा भैया अंधेरा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मुझसे कोट मांग रहा है, मेरे तन पे तो लंगोट भी नहीं है, तू मुझसे कोट मांग रहा है। कहते हैं राजा मर गया, क्योंकि अमीर आदमी शांत नहीं था और शांत आदमी अमीर नहीं था। ये किसी राजा की बात नहीं है, ये मनुष्यता की बात है। अगर मनुष्यता को बचाना है तो समृद्धि भी चाहिए और शांति भी चाहिए। और वो सनातन घोषणा करता है कि तुम आंतरिक शांति के साथ बाहर की समृद्धि को धारण कर सकते। ऐसा भारत, कैसा भारत? श्रद्धा और विश्वास से युक्त भारत।
हर अनजान के पर भी भरोसा करने वाला भारत, विश्वास करने वाला भारत। अभी बड़े महानगरों में जाते हैं तो बाहर गेट पे लिखा होता है कुत्तों से सावधान। बड़ा आश्चर्य होता है कि कुत्तों के सिवा इंसान भी तो रहते होंगे इस घर में। हमारी सारी व्यवस्था संशय के ऊपर खड़ी है, संदेह ही संदेह है। इस युग का रोग है संदेह करना। और यहां श्री संत श्रोमणी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांता स्थमीश्वर वंदे बोधमयम नित्यम। वे जो ज्ञानमय हैं, जो नित्य हैं, जो 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 सद्गुरु हैं, जो गुरु हैं, वो कौन हैं? वो शंकर हैं। कदाचित जिनके आश्रित होने पर ये टेढ़ा चंद्रमा, ये कलंकी चंद्रमा, ये अधूरा चंद्रमा प्रभु आपने क्यों धारण किया? शंकर दादा ये शीर्ष पर अधूरे को, कलंकी को, टेढ़े को क्यों धारण कर बैठे हो? तो शंकर भगवान ने कहा ये कलंकी है, ये अधूरा है, ये टेढ़ा है, लेकिन इसके नाम का बड़ा कमाल है, क्योंकि इसका नाम अद्भुत है, वो श्री राम चंद्र और श्री कृष्ण चंद्र। जब भी पुकारा जाता है तो कृष्ण कृष्ण चंद्र, राम राम चंद्र। इसलिए जब प्रभु के साथ लग गया उसे तो शीर्ष पे धारण कर ही लेना चाहिए। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणम वंदे विशुद्ध विज्ञानम कवीश्वर कपीश्वर। कदाचित गुणगान करने वाली वह धारा, वह वाणी, वह व्यक्तित्व सब वंदनीय।